जम्मू कश्मीर का एक नायाब सितारा, फलक का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल जगत में फैली हुई है। मजीद का फुटबॉल के लिए असीम प्यार तब से महसूस किया जा सकता है जब वह बचपन में कागज और पॉलिथीन की फुटबॉल गेंद बनाकर खेलते थे। मजीद का पहला सिलेक्शन 1977 में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टीम में हुआ। 1979 में आरटीसी के साथ दुरांत कप खेलने गए, वहां 18 गोल किए। संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम के कैप्टन बने। मजीद अपने क्लब करियर के दौरान मोहन बागान फुटबॉल क्लब और स्पोर्टिंग क्लब ईस्ट बंगाल दोनों के लिए खेले। उस समय इंडिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें 60,000 रुपए प्रति महीना पेमेंट मिलता था। अब्दुल मजीद काकरू 14 जनवरी सन 1984 में सिंगापुर में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप के लिए खेले और भारत का नाम रोशन किया। मजीद ने अपने फुटबॉल करियर के दौरान 30 नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेले और 25 इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेले और वह 1981 से 1989 तक नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान रहे। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। मजीद ने फुटबॉल के खेल पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने जीवन को सफल बनाया। मजीद ने केवल जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ही नहीं बल्कि भारत की आवाम के लिए भी मिसाल कायम की।